यहाँ ध्यान दे, आज हम जो पढ़ेंगे काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आज दो थ्योरम सिद्ध करेंगे, ठीक है ना। उसमें एक थ्योरम आना फिक्स है, पाँच नंबर के मैथ में एक थ्योरम आना फिक्स है। जैसे थर्स फॉर्म में सिद्ध किए थे ना, तो थर्स फॉर्म में भी आना फिक्स है, वही भी लग गया जो अभी हम सिद्ध करेंगे पाइथागोरस फॉर्म में, इससे भी आना फिक्स है, ठीक है ना। तो हम आज सिद्ध करेंगे पाइथागोरस फॉर्म में और पाइथागोरस फॉर्म में का विलोम, जैसे थर्स फॉर्म में सिद्ध किए थे और थर्स फॉर्म में का विलोम भी सिद्ध किए थे, उसी प्रकार सिद्ध करेंगे अभी पाइथागोरस फॉर्म में और पाइथागोरस फॉर्म में का विलोम। जब ये दोनों थ्योरम सिद्ध कर देंगे तो प्रश्नावली 6.5 सब उसी से बनेगा। जैसे थर्स फॉर्म में हम सिद्ध किए थे ना, तो प्रश्नावली 6.2 थर्स फॉर्म के अनुसार नहीं बना था, उसी प्रकार पाइथागोरस फॉर्म में सिद्ध करेंगे तो पाइथागोरस फॉर्म के अनुसार ही बनेगा प्रश्नावली 6.5। प्रश्नावली 6.5, उससे पहले तुम लोगों को बताना चाहते हैं, तुम लोग एगो लर्न एंड लर्निंग जो है वो बोल रहा है सिविक्स स्टार्ट करने, तो कल हम पढ़ाएंगे सिविक्स। क्या पढ़ाएंगे? कल सिविक्स पढ़ाएंगे। सिविक्स बोले तो पॉलिटिकल साइंस यानी नागरिक शास्त्र, तो कल पढ़ा देंगे तुमको, ठीक है ना। तुम बहुत कमेंट कर रहा है इसलिए कल हम सिविक्स पढ़ा देंगे, ठीक है। चलिए यहाँ ध्यान दे, तो हम पहले पाइथागोरस पर में पढ़ते, क्या पढ़ते हैं पाइथागोरस पर में, तुम लोग बच्चे से पढ़ते आ रहा है, याद है पाइथागोरस पर में तुम लोग बच्चे से पढ़ते आ रहा है, लेकिन अभी जो दसवां में तुम लोग को सिद्ध करना है। पढ़ते तो आ रहा है बच्चे से, लेकिन दसवां में क्या करना है? सिद्ध करना है। पाइथागोरस पर में किसे कहते हैं? तुम लोग बच्चे पढ़ रहा है कि किसी समकोण त्रिभुज में कर्ण का वर्ग अन्य दो भुजा के वर्गों के योगफल के बराबर होता है, नहीं पढ़ रहा बच्चे से? पढ़ रहा है ना, लेकिन यहाँ सिद्ध करना है। क्या करना है? नहीं पढ़ रहा बच्चे से। किसी समकोण त्रिभुज में, किसी समकोण त्रिभुज में कर्ण का वर्ग, कर्ण का अन्य दो भुजा के वर्ग होता है, दो भुजा क्या होता है? वो लंब होता है, वो आधार होता है, यही होता है। तो अन्य दो भुजा के वर्ग यानी एगो लंब और एक ठो आधार के स्क्वायर के योगफल के बराबर होता है। पढ़ रहा है बच्चे से? पढ़ रहा है ना। ये सब तो लगभग पचवें छठा में स्टार्ट हो जाता है, लेकिन यहाँ पर दसवां जाकर तुमको सिद्ध करना है कि कैसे हुआ, कैसे समझ आया तुम लोग को? तो पाइथागोरस पर में समझ गया, बोलेगा पाइथागोरस पर में लिखो, तो काफ़ी ईजी है। बोलना है किसी समकोण त्रिभुज में, क्या बोलना है? किसी समकोण त्रिभुज में, किसी समकोण त्रिभुज में, किसी समकोण त्रिभुज में कर्ण का वर्ग, क्या बोल रहे हैं? कर्ण का वर्ग आयन दो भुजा, आयन कि कर्ण छूट गया तो कर्ण के अलावा तो दूसरे नहीं भुजा बचेगा, तो कर्ण का वर्ग आयन दो भुजा, आयन दो भुजा के वर्गों, वर्गों यानी स्क्वायर कर दिए, वर्गों के योगफल, योगफल यानी जोड़, योगफल के बराबर होता है। यही है पाइथागोरस पर में, आराम से याद हो गया होगा, नहीं याद हुआ होगा क्योंकि बच्चे से सब पढ़ते आ रहा है, लेकिन अभी हमको सिद्ध करना है। क्या करना है? थर्स पढ़ने पढ़ाया था क्या कि यदि किसी त्रिभुज में किसी भुजा के समांतर कोई रेखा खींची जाती है तो वह रेखा अन्य दो भुजा को समान अनुपात में बांटता है। थर्स पढ़ने बताया था ना, ये पाइथागोरस पर में हो गया। तो पाइथागोरस पर में अब इसको हम करना है सिद्ध। क्या करना है? सिद्ध करना है। तो क्या बोला? किसी किसी समकोण त्रिभुज में, तो पहले हमको समकोण त्रिभुज बनाना पड़ेगा। क्या बनाना पड़ेगा? तो बनाते हैं समकोण त्रिभुज। क्या बनाते हैं? क्या बना रहे हैं? समकोण त्रिभुज बना दिया, समकोण त्रिभुज। इसका नाम रख देते हैं ए बी सी, ठीक है ना। तो बोल रहा किसी समकोण त्रिभुज किसे कहते हैं? तो समकोण त्रिभुज उसको कहते हैं जिसमें एक कोण समकोण हो ना, एक कोण समकोण रहेगा तो समकोण यानी 90 डिग्री, तो एक कोण समकोण रहेगा तो समकोण त्रिभुज, एक कोण 90 डिग्री से अधिक रहेगा तो अधिक कोण त्रिभुज, और तीनों कोण अगर 90 डिग्री छोटा रहेगा तो न्यून कोण त्रिभुज। तो यहाँ समकोण बोल रहे थे, एक कोण क्या होगा 90 डिग्री, तो समकोण कौन होगा? ए होगा कि बी होगा कि सी होगा? तो बी यहाँ बन रहा है, ये 90 डिग्री मेरा कौन होगा? तो ये वाला बी जो है मेरा, ये क्या होगा? 90 डिग्री, यही ना होगा? चलो अब लिखो, दिया गया है। क्या दिया गया है? तो किसी समकोण त्रिभुज में इतना दिया गया है, इतना कितना दिया गया है? किसी समकोण त्रिभुज में दिया गया है। अब यहाँ से आगे जो है इसको सिद्ध करना है। क्या आगे है? कर्ण का वर्ग, कर्ण का अन्य दो भुजा के वर्गों के योगफल के बराबर होता है, दिया गया है। क्या दिया गया है? तो देखिए यहाँ से लेके यहाँ तक मेरा दिया गया है, दिया गया है ना। किसी समकोण त्रिभुज में कर्ण का वर्ग यहाँ तक दिया गया, दिया गया है ना, नहीं यहाँ तक नहीं, मैं तक दिया है। कितना तक दिया हुआ है? मैं तक, यानी किसी समकोण त्रिभुज में, यानी दिया गया क्या है? समकोण त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज है। तो लिखना है क्या यहाँ पर? कौन समकोण त्रिभुज? ए बी सी है ना, तो ए बी सी, ए बी सी एक समकोण त्रिभुज है, एक समकोण त्रिभुज, एक समकोण त्रिभुज है जिसमें कौन कौन समकोण है? बी है समकोण, जिसमें
जिसमें कोण बी बराबर 90 डिग्री, कोण बी बराबर 90 डिग्री, समकोण हो गया ना। अब क्या लिखते हैं, अब लिखते हैं सिद्ध करना है, क्या लिखते हैं सिद्ध करना है, सिद्ध करना है। तो सिद्ध करना क्या है, तो देखें यहाँ पे मैं के बाद यहाँ से हमको सिद्ध करना है, यहाँ से क्या करना है, कर्ण का वर्ग एन दो भुजा के वर्गों का योगफल के बराबर होता है। तो कर्ण का वर्ग, कर्ण कौन होगा, तो बड़ा भुजा कर्ण होता है, या 90 के सामने वाला भुजा क्या होता है कर्ण, 90 के सामने वाला भुजा क्या होता है कर्ण, तो 90 के सामने कौन है मेरा, यही है ना, यानी क्या है AC, क्या है, तो यहाँ जाएगा AC कर्ण का वर्ग यानी AC का स्क्वायर अन दो भुजा के वर्गों का योगफल, अन दो भुजा क्या है, एक ठो ये है तो अन दो भुजा के वर्ग यानी AB स्क्वायर और BC स्क्वायर बोल रहा है ना, अन दो भुजा के वर्गों के स्क्वायर के योगफल, योगफल यानी जोड़ के बराबर होता है, क्या होता है यानी ये सिद्ध करना है, क्या करना है, अब हमको लेना पड़ेगा रचना, क्या लेना पड़ेगा रचना, क्या लेंगे यहाँ ध्यान दो, रचना जैसे तुम लोग को बताया था थर्ड प्रमेय में भी हम रचना लिए थे ना, उसमें कहा पाइथागोरस प्रमेय में भी रचना लेंगे, क्या लेंगे रचना, क्या लेंगे, तो रचना इसमें हम सिंपल लेना है, क्या बोलना है BC से BD, क्या बोलना है यहाँ पर, क्या बोलना है BC से BD, AC पर लम डाला, और जब लम डालेंगे क्या करेंगे, जब लम डालेंगे यहाँ देख, जब लम डालेंगे तो दोनों तरफ क्या होगा 90 डिग्री ना होगा, इधर भी 90 डिग्री और इधर भी 90 डिग्री, क्योंकि रेखा पर 180 कोण बनता है, तो जब इधर 90 तो इधर भी 90 हो गया, तो लिखना है क्या BC से BD, क्या लिखना है BC से BD लम्ब किस पर डाला, तो AC पर डाला, AC पर, या शॉर्ट में लिखेंगे तो लिखेंगे BD लंब AC, BD लंब यानी उल्टा कर देंगे टी को, हो गया ना। अब लिखते हैं प्रमाण, क्या लिखते हैं प्रमाण यानी सिद्ध करते हैं, क्या करते हैं प्रमाण, कैसे लिखते हैं, जैसे हम लोग को भी कुछ दिखाने के लिए, प्रूव करने के लिए कि हमें है, तो क्या सर्टिफिकेट को देते हैं ना, आधार कार्ड को दिखाते हैं ना, उसी प्रकार इससे प्रमाण लेंगे, क्या लेंगे प्रमाण में क्या करना है, तो ध्यान दे तुम लोग, पहले प्रमाण में हमें प्रमाण में क्या करना है, यहाँ समझ, ये को लेना है बरका त्रिभुज, क्या लेना है यानी ये को लेना है ABC, क्या लेना है ABC लेना है, और ये को लेना है छोटका, क्या लेना है छोटका, यहाँ दो को है, ये को छोटका लेना है, पहले ये ले लेते हैं, ये ले लेंगे पहले, उसका फिर लेंगे बरका ABC, आप छोटका ही ले लेंगे, यानी दो बार लेना है, कितना बार लेना है, तो पहले ले रहा है बरका, क्या ले रहे हैं, तो प्रमाण में क्या ले रहे हैं, प्रमाण में ले रहे हैं पहले त्रिभुज ABC तथा छोटका लेना, तो छोटका लेते समय अगर ध्यान यहीं दे देगा तो आगे दिक्कत ना होगा, देख छोटका कैसे लें, तो समझ यहाँ पर, यहाँ समझ ABC क्या लिए बरका लिए ABC, तो देख यहाँ पर, यहाँ समझ तुम लोग, यहाँ तुम समझना, छोटका कैसे लिखे, छोटका तो हम ऐसे भी लिख सकते हैं, ADB भी लिख सकते हैं, या ABD भी लिख सकते हैं, लिख सकते हैं ना, लेकिन लिखते समय अगर यहाँ सावधानी करेगा तो आगे फायदा करेगा, क्या किसे कैसे फायदा करेगा समझ, तो यहाँ पर क्या, यहाँ लिए आगे A, क्या लिए बरकाम लिए क्या आगे ABC, तो छोटकों में आ रहा है, तो ये तो दोनों में हो गया, तो चलो यहाँ भी ले लेते हैं, क्या लिख देते हैं, फिर यहाँ पर क्या लिखे बी, क्या लिखे बरकाम, क्या लिखे बी, तो बरकाम में बी क्या है 90 डिग्री है, बरकाम भी क्या है, तो छोटका 90 कौन है बताओ, ई है कि इबला है कि इबला है, तो छोटका 90 कौन है डी है, कौन है, तो ले लेंगे डी, क्या ले लेंगे, अभी इस तरह लिख देंगे तो आगे जाके सुविधा पड़ेगा, हम बताएंगे ठीक है ना, अब बता ए लिख दिए डी लिख दिए, ए लिख दिए डी लिख दिए, तो क्या बचा बी ना बचा, यानी सी के संगत क्या हो गया बी हो गया, समझ आ गया तुम लोग को, अब दोनों करेंगे समरूप, क्या करेंगे समरूप, करने के चार नियम बताए थे ना, अगर तीनों कोण एक त्रिभुज के तीनों कोण दूसरे त्रिभुज के तीनों कोण के बराबर हो जाए तब भी समरूप होता है, दो कोण बराबर हो जाए तब भी समरूप होता है, या एक त्रिभुज के तीनों भुजा दूसरे त्रिभुज के संगत तीनों भुजा के समानुपाती हो तब भी क्या होता है समरूप होता है, या एक त्रिभुज के दो भुजा दूसरे त्रिभुज के संगत दो भुजा के समानुपाती हो तथा बीच का कोण बराबर हो तब भी क्या होता है समरूप, क्या होता है, तो चार नियम है, चार टेबलेट है, तो समरूप करो इसको, तो त्रिभुज ABC में क्या है कोण बी 90 डिग्री है ना, है तो लिखेंगे कोण ABC बराबर त्रिभुज ADB में, ADB में कौन 90 है, तो डी 90 है, तो हो जाएगा बराबर कौन ABB, और तुम बोलेगा हम BDA लिखेंगे तो कोई दिक्कत ना है, ADB बोले या BDA बोले कोई दिक्कत, बराबर क्या बराबर क्या होगा, क्योंकि चूंकि 90 डिग्री है, क्या है एक कोण बराबर हो गया, अगर एक कोण और बराबर कर देंगे तो ए समरूपता से समरूप हो जाएगा ना, हो जाएगा, तो एक कोण तो सब बराबर है, कटता है देखो दोनों में है, दोनों में ना है, इसमें भी ABC में भी कौन है और ADB में भी कौन ए ना है, तो कौन ए बराबर कौन ए, क्यों, क्योंकि चूंकि उभयनिष्ठ है, चूंकि
उभयनिष्ठ है, दो कोण बराबर हो गया, दो कोण बराबर हो गया तो क्या हो गया, समरूप। क्या हुआ तो इस यहाँ इस लिख देना है ए ए समरूपता से, ए समरूपता से दोनों त्रिभुज क्या हुआ, दोनों त्रिभुज क्या हुआ, त्रिभुज ए बी सी, ए बी सी समरूप, त्रिभुज ए डी बी समरूप हो गया। और समरूप होगा तो क्या होगा, संगत भुजा समान अनुपात में, संगत भुजा समान अनुपात में ना होगा। तो आप देख संगत भुजा लेना है, संगत भुजा देखो यहाँ पे, अब तुम लोग यहाँ ध्यान दो, जो हमको सिद्ध करना है उसमें क्या है, ए सी है, ए बी और बी सी है, बी डी कहीं है क्या, बी डी ना ना, तो बी डी के लेने ना है, बी डी के लेने नहीं है, समझ आ गया तुम लोग को। तो पहले क्या है ए सी, क्या है तो देखो आप, अभी हम यहाँ पर अच्छा से दिमाग लगा के ले लिए कि ए का संगत ए था और कोण बी यहाँ 90 डिग्री है, तो यहाँ पर कोण डी 90 डिग्री है, तो बी के साथ डी को ले लिए, बी भी यहाँ बीच में था तो यहाँ डी भी बीच में ले लिए, 90 डिग्री वाला यहाँ बीच में था तो यहाँ भी 90 डिग्री वाला बीच में ले लिए। और जो बचा जैसे यहाँ पर क्या है सी है, तो यहाँ पर बच रहा है क्या, बी बचा था, ले लिए ना, तो यहाँ हम सावधानी पूर्वक ले लिए, तो यहाँ देखो लेने में हमको कोई दिक्कत ना पड़ेगा, चित्र नहीं देखेंगे तब बी ले लेंगे, कैसे लेंगे तो देखो पहले लेना है ए सी, पहले ए सी सिद्ध करना है, तो इससे लो ए सी से क्या लेंगे, ए सी क्या लेंगे, ए सी, तो यहाँ पर लिए शुरू से एगो लास्ट से, यहाँ भी लेंगे शुरू से और लास्ट से, पीछे देखना पड़ रहा है, नहीं पड़ रहा है, आराम से ले रहे हैं ना, नहीं ले रहे हैं, ले लिए उसी प्रकार। अब यहाँ ध्यान दो, और हमको क्या लेना है बता तुम लोग, यहाँ ध्यान दो, हम बोले थे कि बी डी नहीं लेना है, बी डी तो बी डी कहाँ आ रहा है, यहाँ पर आ रहा है, तो जब यहाँ बी डी आ रहा है तो यहाँ पर क्या आएगा, बी सी आएगा, तो जब बी डी लेवल करेंगे तो बी सी कहाँ से लेंगे, क्योंकि बी डी की संगत क्या हो रहा है, बी सी हो रहा है, तो जब बी डी नहीं लेंगे तो बी सी लेंगे कि, यानी ये नहीं लेना है, बी सी नहीं तो लेना क्या है, ए बी है, यह लेना है, तो ए बी लेंगे तो यहाँ से क्या आएगा, ए डी आएगा, क्या आएगा, तो यहाँ पर हो जाएगा बराबर ए बी बटा ए डी, पिक्चर देखना पड़ा, नहीं देखना पड़ा, खाली सावधानी तुमको लेना है क्या, जब तुम त्रिभुज को लिखोगे तो जिसका जो संगत रहेगा उसी को लिखना है, कोने का संगत कोने था, कोण बी यहाँ 90 डिग्री, तो यहाँ भी कोण डी हम लिए 90 डिग्री, जो बच गया उसको लिख दिए, तो यहाँ पर देखो पिक्चर नहीं देखना पड़ रहा है। अब क्या करेंगे, अब करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई, क्या करेंगे, ये जाके इसमें गुना है, जाके इसमें, तो ए सी गुना ए डी, ए सी गुना ए डी बराबर क्या, ए बी गुना ए बी, यानी ए बी स्क्वायर, समीकरण एक, एक तो हो गया। अब लो छोटा वाला त्रिभुज ले लिए ना, अभी छोटका लेते हैं, आप बड़का लेते हैं, पहले बड़का ले, त्रिभुज ए बी सी, क्या त्रिभुज ए बी सी लिखना है, अब त्रिभुज ए बी सी तथा त्रिभुज कौन, छोटका वाला, छोटका लेते समय फिर सावधानी कि इस तरह हम छोटका ले लें कि बाद में हमको पिक्चर देखना भी नहीं पड़े, इसी तरह बना लो। तो लो देखें यहाँ पर समझ कैसे लेंगे, तो देख कॉमन कौन है, देखें ए बी सी, ए बी सी, फिर बोल रहे हैं क्या, फिर छोटा छोटा त्रिभुज ले रहे हैं, छोटका में भी तो सी ना रहा है, छोटा में भी सी ना आ रहा है, छोटा में भी सी आ रहा है और बड़का में भी सी आ रहा है, तो बड़का में सी लास्ट में है, तो छोटका में भी सी कहाँ रखेंगे, लास्ट में कहाँ रखेंगे, अभी कर देंगे तो फिर आगे सुविधा पड़ेगा, ऐसे जैसे पता से लिख देंगे तो फिर दिक्कत हो जाएगा आगे लेने में, समझ आ रहा है ना, तो छोटका में सी सी दोनों में था, तो सी का कॉमन सी एन होगा, तो छोटका बड़का में सी लास्ट में, छोटका में भी सी, अब देखें यहाँ पर, यहाँ पर बी है, क्या है बड़का त्रिभुज में, क्या है यहाँ बीच में बी है, तो ए बी सी, तो बी क्या है 90 डिग्री है ना, 90 डिग्री है ना, तो छोटका भी छोटका वाला त्रिभुज लेंगे, ये त्रिभुज ले रहे हैं, तो इसमें बी है 90 डिग्री यहाँ बीच में, तो इसमें बी क्या लेंगे 90 डिग्री वाला बीच में, तो 90 डिग्री वाला इसमें है कौन, तो डी है, तो डी ले लिए बीच में, क्योंकि बी का संगत डी हो गया, समझा तुम लोग। अब बचा क्या, तो सी भी ले लिए, डी भी ले लिए, तो बचा क्या, बी बचा, तो ए का संगत क्या हो जाएगा, बी, समझा तुम लोग, समझा तुम लोग। अब देखिए इतना खाली यही सावधानी, इतना आराम से ले लेंगे इस तरह, तो फिर आगे हमको सुविधा पड़ेगा, पिक्चर नहीं देखेंगे, इससे बन जाएगा, समझा तुम लोग। आज दोनों कहते हैं समरूप, क्या करते हैं समरूप, ठीक है ना, तो कौन कौन बराबर हो रहा है पहले देखें, यहाँ पर ए बी सी में कौन बी 90 है ना है, तो कौन ए बी सी 90 डिग्री हो गया, बराबर कौन कौन 90, इसमें कौन 90 है, इसमें है बी डी सी या सी डी बी, यह 90 है, इसको हम इधर से ही बोल सकते हैं या इधर से ही बोल सकते हैं, चलो इधर ही बोल दिए, बी डी सी कौन बी डी सी बराबर, दोनों बराबर क्या हुआ, तो लिख देना है चूंकि दोनों 90 डिग्री है, क्या है या लिख देना है दोनों समकोण है, हो गया, एक कोण बराबर हो गया, दूसरा कोण अगर बराबर हो जाए तो ए समरूपता से समरूप हो जाएगा ना होगा, तो दूसरा कोण तो ऐसे बराबर है, कौन सी दोनों में आ रहा है, ए बी सी में भी आ रहा है और बी डी सी में भी आ रहा है, दोनों में आ रहा है, तो कौन सी बराबर कौन सी, क्यों बराबर है, दोनों बार हम क्यों लिख दिए, क्योंकि उभयनिष्ठ है, क्या है यानी दोनों में स्थित है, यानी उभयनिष्ठ है, यानी कॉमन है, समझ आ गया, तो दो कोण बराबर हो गया, इसलिए
इसलिए ए ए समरूपता से, ए समरूपता से कौन त्रिभुज समरूप होता है यार, ये क्या हुआ समरूप त्रिभुज ए बी सी समरूप त्रिभुज बी डी सी हो गया, समरूप हो गया। जैसे समरूप होगा तो संगत भुजा समान अनुपात में, संगत भुजा समान अनुपात, लेकिन हम बोल रहे हैं बार बार कि बीचाला नहीं लेना है, बीचाला बीचाला नहीं लेना है, क्योंकि यहाँ पर बीचाला बी डी कहीं थोड़े न लेना है। तो चलो देखो यहाँ पर, तो पहले क्या जो जहाँ सिद्ध करना है वहाँ पर लेना है ए सी, क्या लेना है तो यहाँ पर ए सी कहाँ है खोजो, यहाँ पर ए सी है ये वाला, यही है ना, तो पीछे देखना भी नहीं पड़ रहा है, खाली यहाँ पर दिमाग लगा के ये वाला लिख दिए, इसके साथ क्या लिखेंगे, खाली दिमाग लगा के यहाँ पर लिख दिए तो फिर क्या हुआ, पीछे देखना नहीं पड़ रहा, क्या लेंगे ए सी, क्या लेंगे ए सी, तो यहाँ आगे पीछे, तो यहाँ भी आगे पीछे जी पड़ रहा है, तो पीछे देखेगा तो गड़बड़ आ जाएगा, तो इसी तरह हम कर लेंगे। फिर देखो यहाँ पर, यहाँ से अगर हम लेते हैं क्या बी सी, क्या लेते हैं बी सी, तो यहाँ से लेना पड़ेगा क्या सी डी, ना लेना पड़ेगा, यहाँ से लेते हैं बी सी, क्या लेते हैं बी सी, तो यहाँ से लेना पड़ेगा सी डी, तो ठीक है नहीं आ रहा बी डी, नहीं आ रहा आ रहा है तो ले लेते हैं, क्योंकि बी डी आएगा तो नहीं लेंगे, बी डी आएगा तो नहीं लेंगे, तो बी डी नहीं आ रहा है, बी सी लिए यहाँ से, यहाँ से क्या लिए बी सी, तो यहाँ से क्या लेंगे सी डी, क्या लेंगे सी डी। अब तुम बोलेगा हम ले लेंगे यहाँ से ए बी, तो ए बी लेंगे तो क्या आ जाएगा बी डी, क्या जाएगा तो बी डी, हमको थोड़ी लेना है, लेना है ऐसे भी दिमाग लगाना है क्या, कि यहाँ जो आया निचुआ में यही लेना है ऊपरा में, आया तुमको समझ, देखिए यहाँ पर, यहाँ नहीं था समझ, यहाँ पर कहाँ पर है, यहाँ नीचे में आया था ए बी, क्या आया था तो यहाँ पर लिए ए बी, क्या लिए लिए थे तो ए बी लिए, तो इसके संगत क्या हो गया ए डी हो गया, तो देखो ए डी लिखा, उसी प्रकार यहाँ नीचे में क्या आया बी सी, क्या आया तो बी सी खोजना यहाँ पर कहाँ है, तो बी सी मेरा यहाँ पर है तो बी सी, देखिए नीचे में बी सी आया तो फिर यहाँ ऊपर में बी सी लिखना है, तो खोजो बी सी यहाँ पर कहाँ है, यहाँ पर है तो यहाँ पर क्या होगा बी सी का, इसका संगत सी डी होगा, तो सी डी लिख दिए, लिख दिए क्रॉस मल्टीप्लाई कर, क्रॉस मल्टीप्लाई कर तो क्या हो जाएगा, तो हो जाएगा ए सी गुना सी डी, क्या हो जाएगा ए सी गुना सी डी, सी डी बराबर बी सी गुना बी सी स्क्वायर, समीकरण दो, समीकरण और समीकरण एक कर दो को जोड़ेंगे बस आंसर आ गया, क्या करेंगे समीकरण एक प्लस दो, समीकरण एक प्लस दो करने पर, ऐसे यहाँ पर लिखा हुआ है समीकरण एक प्लस दो करने पर, ना लिखा हुआ है समीकरण एक प्लस दो करने पर लिखा हुआ है ना, तो समीकरण एक और दो को जोड़ो, तो एक में मेरा क्या है ये है, दो में मेरा क्या है ये है, तो लेफ्ट हैंड साइड वाला लेफ्ट हैंड साइड से जुटेगा और राइट वाला राइट से जुटेगा, नहीं जुटेगा लेफ्ट वाला लेफ्ट से राइट वाला राइट से, तो जोड़ दे तो ए सी गुना ए डी जोड़ ए सी गुना सी डी होगा, तो ए सी गुना यहाँ से ए डी, यहाँ से ए डी जोड़ ए सी गुना सी डी, ए सी गुना सी डी बराबर लेफ्ट हैंड साइड वाला जुट गया ना, लेफ्ट वाला साथ में जुट गया तो राइट वाला साथ में जोड़ दे, तो राइट वाला इधर क्या है ए बी स्क्वायर, यहाँ है बी सी स्क्वायर, तो ए बी स्क्वायर जोड़ बी सी स्क्वायर लिख दिए, देखिए इधर वाला इबला आ गया, अब खाली इधर लाना है ए सी स्क्वायर, क्या लाना है ए सी स्क्वायर लाना है, तो देखिए यहाँ पर ए सी कॉमन हो रहा है, इसमें भी ए सी है और इसमें भी ए सी है, तो ए सी लेते हैं कॉमन, ए सी लेते हैं, जैसे यहाँ ए सी बाहर निकाल लिए तो बचा क्या ए डी प्लस के, यहाँ ए सी बाहर तो बचा क्या सी डी बराबर क्या ए बी स्क्वायर जोड़ बी सी स्क्वायर। अब तुम लोग चित्र से क्या लिखेंगे, चित्र में हम ध्यान से देख, चित्र में हम ध्यान से देख क्या है ए डी और सी डी जोड़ने पर क्या बन रहा है, चित्र को देखो ए डी इतना और सी डी इतना, दोनों जोड़ने पर ए सी नहीं बन रहा है, बन रहा है तो ए डी सी डी जोड़ देंगे तो क्या बन रहा है ए सी, क्या बन रहा है तो यहाँ लिखेंगे ए सी और इसको जोड़ेंगे तो क्या होगा ए सी, ए क्या होगा ए सी ना होगा, अब ब्रैकेट हटाए तो क्या दिए गुना, क्या दिए बराबर ए बी स्क्वायर जो बी सी स्क्वायर, अब ए सी गुना ए सी क्या ए सी स्क्वायर बराबर ए बी स्क्वायर जो बी सी स्क्वायर प्रूव हो गया, समझा तुम लोग, समझा तुम लोग रे, तो यहाँ पर हम ध्यान देना है कि ए बी सी लिख दिए तो यहाँ पर इस तरह से लिखेंगे त्रिभुज छोटका, इस तरह से लिखेंगे कि इसका संगत ये हो और 90 के सामने 90 हो और फिर जो बचे उसके सामने वो हो, तब फिर आगे सुविधा पड़ेगा, समझ आ गया तुम लोग को। अब देखेंगे इसका पाइथागोरस प्रमेय के विलोम, पाइथागोरस प्रमेय का विलोम, चल यहाँ ध्यान दे, अभी हम क्या देखे थे, अभी हम देखे थे पाइथागोरस प्रमेय, पाइथागोरस तो पाइथागोरस प्रमेय में क्या था, तो समकोण दिया था, समकोण हमको सिद्ध करना था कर्ण का वर्ग, समकोण दिया था, समकोण क्या था दिया था हमको सिद्ध करना था कर्ण का वर्ग अन दो भुजा के वर्गों के योगफल के बराबर होता है, यह सिद्ध करना था, जब अंदर कह क्या उठा पड़ेगा फट जाएगा, यहाँ ध्यान देगा तुमको ही बता रहे हैं, अभी खाली इला होने दे उसको बता रहे हैं, क्या बोल रहे हैं कि इसमें सम अथी पाइथागोरस प्रमेय में क्या था, तो समकोण दिया था, समकोण
समकोण त्रिभुज दिया था, समकोण त्रिभुज हमको सिद्ध करना था, ये सिद्ध करना था। अब बोल रहे हैं पाइथागोरस प्रमेय के उल्टा, पाइथागोरस प्रमेय के विलोम, तो ये दिया रहेगा, अब ये सिद्ध करना है। समझाया तुम लोग को? पाइथागोरस प्रमेय में क्या दिया था? ये वाला दिया था कि वो समकोण त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज है, तुम सिद्ध करो कर्ण का वर्ग अन्य दो भुजा के वर्गों के योगफल के बराबर होता है। लेकिन अब क्या बोलेगा? अभी बोलेगा कोई त्रिभुज है, समकोण नहीं बोलेगा, क्योंकि समकोण सिद्ध करना है ना, उसका उल्टा ना भी है। ताली बोलेगा कोई त्रिभुज है, क्या है? कोई त्रिभुज है जिसमें एक भुजा के वर्ग यानी दो भुजा के वर्ग के योगफल के बराबर है, तो सिद्ध कीजिए कि वो त्रिभुज समकोण है, यानी उल्टा जैसे उसका। समझा तुम लोग? यानी क्या होगा, पाइथागोरस प्रमेय का विलोम क्या होगा? तब होगा यदि किसी त्रिभुज में, क्या होगा? अब किसी त्रिभुज बोल दिया क्योंकि समकोण सिद्ध करना है ना, उल्टा है, तो अब बोलेगा यदि किसी त्रिभुज में ये वाला दिया रहेगा उल्टा, क्योंकि पाइथागोरस में ये दिया था ये सिद्ध करना था, अब यह दिया रहेगा उल्टा है यही सिद्ध करना है। तो यदि किसी त्रिभुज में, यदि किसी त्रिभुज में एक भुजा का वर्ग, एक भुजा का वर्ग अन्य दो भुजा के वर्ग के योगफल, योगफल ना हो रहा है, योगफल के बराबर हो, के बराबर हो, तो वह त्रिभुज समकोण होता है, तो वह समकोण त्रिभुज होता है, तो वह समकोण त्रिभुज होता है, तो वह समकोण त्रिभुज होता है, यही सिद्ध करना है। तो उल्टा ना हो गया, उसमें क्या था, समकोण पहले था, था ना, ऐसा समकोण लास्ट में हो गया, उसमें ई वाला जो लिखा था यदि किसी त्रिभुज के एक भुजा का वर्ग, वो लास्ट में लिखल था, इसमें ही पहले हो गया, उल्टा ना हो गया। या ऐसे लिखा रहेगा, या इसको इस तरह भी लिख सकते हैं, क्या यदि किसी त्रिभुज में एक भुजा का वर्ग अन्य दो भुजा के वर्ग के योगफल के बराबर हो, तो बराबर हो तो पहली भुजा के सामने वाला कोण समकोण होता है, पहली भुजा के सामने वाला कोण समकोण होता है, या पहली भुजा के सामने वाला, पहली भुजा के के सम्मुख कोण, सामने ना लिखा रहेगा तो क्या लिखा रहेगा, सम्मुख कोण समकोण होता है, तो समकोण हो जाएगा तो समकोण त्रिभुज ऐसी बन गया ना, बन गया। चल तो करते हैं सिद्ध, क्या करते हैं सिद्ध, देख यहाँ पर, तो हम क्या करते हैं, किसी त्रिभुज बोल दिया, क्या बोल दिया, किसी त्रिभुज में होते हैं, वो त्रिभुज बना लेते हैं, क्या बना लेते हैं, चलो यहाँ वो त्रिभुज बना लेते हैं, बनाना है समकोण है त्रिभुज, लेकिन नाम नहीं देने की, बोलना ना है कि समकोण है, बोलना ही ना है समकोण है, दिखा देना है, सिद्ध कर देना है कि समकोण है, क्योंकि बोल देंगे तो दिक्कत हो जाएगा ना। तो चलो बना दे दिए इस प्रकार एगो त्रिभुज, इसको हम नहीं बोले कि समकोण है, यानी ऐसे हम लिख दिए ए बी सी, यानी इसको नहीं बोलना है कि 90 डिग्री है, क्योंकि यहाँ 90 डिग्री सिद्ध करना है ना, तो हम नहीं बोल रहे हैं, बोल नहीं रहे। अब बोल रहा है क्या क्या दिया गया है, तो दिया गया है कि एक भुजा का वर्ग यानी ए सी स्क्वायर एंड दो भुजा के वर्ग यानी ए बी स्क्वायर जोर बी सी स्क्वायर, तो जब ऐसा होता है तो ये त्रिभुज समकोण है, सिद्ध करना है। समझा तुम लोग? तो यदि किसी त्रिभुज में एक भुजा का वर्ग, एक भुजा का यानी दो भुजा के वर्ग के योगफल के बराबर हो, तो वह समकोण त्रिभुज होता है, यह सिद्ध करना है। या इसका दूसरा तरीका बोलने की यह है कि यदि किसी त्रिभुज में, यदि किसी त्रिभुज में एक भुजा का वर्ग यानी ई भुजा के वर्ग, एक भुजा का वर्ग यानी दो भुजा के वर्ग के योगफल के बराबर हो, तो पहली भुजा के सम्मुख कोण, पहली भुजा के सम्मुख कोण समकोण होता है, समकोण होता है। तो दोनों तरीका बोलेंगे तो दोनों सही है, ये जो बोल रहे हैं वो भी सही है, जो बोल रहे हैं अभी हम अपने मन से वो भी सही है। समझ आ गया तुम लोग को? करते हैं सिद्ध, करते हैं समझ आ गया। चलो क्या दिया गया, जो दिया गया वो लिखेंगे, दिया गया है, क्या दिया गया है, तो दिया गया कहाँ से लेके, यहाँ से लेके तो से पहले, तो से ये तो के जो बाद रहता है उसको सिद्ध करना होता है, तो के जो बाद रहता है उसको क्या करना होता है, सिद्ध करना होता है। तो यहाँ तक दिया है यदि किसी त्रिभुज में एक भुजा का वर्ग अन्य दो भुजा के वर्ग के योगफल के बराबर हो, यहाँ तक दिया है। समझा तुम लोग? यदि किसी त्रिभुज बोला तो कौन त्रिभुज ले लिए, ए बी सी ले लिए, तो यहाँ लिखना है त्रिभुज ए बी सी में, क्या लिखना है, त्रिभुज ए बी सी में क्या दिया गया था, यदि किसी त्रिभुज में एक भुजा का वर्ग यानी ए सी का वर्ग एंड दो भुजा के वर्ग यानी ए बी स्क्वायर जोर बी सी स्क्वायर के बराबर होता है, देख यही दिया है। और अभी जो हम थर्स अथी पहले जो सिद्ध कराए थे पाइथागोरस प्रमेय में, उसमें सिद्ध करना था, लेकिन अभी दिया है, ये क्या है, दिया है ना। और क्या लेंगे, तो दिया गया एक बार लिखते हैं रचना, क्या लिखते हैं रचना, तो देखिए इसमें रचना क्या लेंगे, इसको सिद्ध करने के लिए रचना क्या लेंगे, तो नहीं बोल देना कि रचना ये लेंगे, ये रचना ना होगा,
इसको सिद्ध करने के लिए एगो त्रिभुज लेना पड़ेगा, समकोण त्रिभुज। राजन क्या लेना पड़ेगा? एगो समकोण त्रिभुज हमको अलग से बनाना पड़ेगा, अलग से। चलो एक समकोण त्रिभुज बना लेते हैं। यहाँ पर हम क्या, यहाँ ध्यान दें, यहाँ पर समकोण त्रिभुज बना लेते हैं डी ई एफ। क्या बना लेते हैं? क्या बना रहे हैं? डी ई एफ। ई रचनाम ले रहा है क्योंकि तो इसमें नहीं बोल रहा है, तो हम अपने मन से ले रहे हैं ना। तो अपने मन से जो छेड़छाड़ करता है उसको बोलते हैं रचना। क्या बोलते हैं? तो बोलना है कि रचना क्या लेना है। तो लिखना है कि रचना में एक समकोण त्रिभुज डी ई एफ लेते हैं, डी ई एफ लेते हैं, जिसका कोण ई क्या हो, 90 डिग्री। क्या हो? देखो इसमें इसमें 90 नहीं लिए क्योंकि इसमें सिद्ध करना था, लेकिन इसमें क्या ले लिए, 90। क्या ले लिए? तो रचना में लेना है क्या, रचना में लेना है एक समकोण त्रिभुज, एक समकोण त्रिभुज डी ई एफ लेते हैं, डी ई एफ लेते हैं, हाँ, जिसमें कौन कौन समकोण है, जिसमें कौन कौन ई बराबर 90 डिग्री। तथा तथा क्या लेना है? और एक चीज़ लेना है, और क्या लेना है? तो ले लेना है डी ई बराबर ए बी। क्या ले लेना है? हम ले रहे हैं दिया नहीं है, क्या है, अपने मन से ले रहे हैं, यानी अपने मन से लेते तो रचना लेते हैं। तो तथा डी बराबर ए बी तथा ई एफ बराबर बी सी एवं ई एफ बराबर बी सी। तुम लोग आपने नहीं बोल देना कि हम अपनी ये ले लेते हैं डी एफ बराबर ए सी ले लेते हैं, तीनों सब बराबर ले लेंगे, तीनों बराबर ले लेंगे तो फिर सिद्ध क्या करेंगे? तो एक दू एक लेंगे, कितना लेंगे? एक वो डी बराबर ले लेंगे क्या ए बी, और ये बराबर क्या ले रही है बी सी। आई इसको बराबर हमको दिखा देना है, तब आगे समझ आएगा आगे क्या करना है। तो इतना लिख रचना हो गया नहीं, अब लिख रहा है परमान। क्या लिखते हैं? परमान। क्या लिखते हैं? परमान। क्या लिखते हैं? परमान। अब यहाँ ध्यान दें, परमान में क्या लिखेंगे? तो ये त्रिभुज क्या है, समकोण। क्या है? तो समकोण ही त्रिभुज है, तो इसमें हम पाथागोलय परमेय लगा सकते हैं, नहीं लगा सकते हैं। पाथागोलय परमेय किसमें लगता है? समकोण त्रिभुज में लगता है। ये समकोण थोड़ा है, इसको सिद्ध करना है ना। तो समकोण मेरा ये है ना, जैसे पाथागोलय परमेय लगा, तो क्या लिखेंगे? त्रिभुज डी ई एफ में। क्या लिखेंगे? त्रिभुज डी ई एफ में, ठीक है ना। लिखेंगे पाइथागोरस परमेय से। क्या लिखेंगे? पाइथागोरस परमेय से, पाइथागोरस परमेय से। पाइथागोरस परमेय से क्या होता है? अगर कोई समकोण त्रिभुज हो तो उसमें कर्ण का वर्ग एंड दो भुजा के वर्गों के योगफल के बराबर होता है, यही ना। तो पाइथागोरस परमेय से तो क्या हो जाएगा, हो जाएगा डी एफ स्क्वायर बराबर। क्या हो जाएगा? डी एफ स्क्वायर बराबर हो जाएगा क्या? डी ई स्क्वायर जोर ई एफ स्क्वायर ना होगा, डी ई स्क्वायर जोर ई एफ स्क्वायर हो गया। अब तुम लोग समझ, यहाँ पर यहाँ समझना है, डी ई के जगह पर हम डी ई बराबर क्या मान लिए, ए बी मान लिए, नहीं माने थे तो डी ई के स्थान पर ए बी लिख सकते हैं, लिख सकते हैं। तो डी ई के स्थान पर लिख दिए ए बी, क्या लिख दिए, और स्क्वायर का स्क्वायर। और ई एफ बराबर क्या माने थे, बी सी माने थे, तो ई एफ के जहाँ पर हम बी सी लिख सकते हैं, तो ई एफ के यहाँ पर लिख दिए बी सी। क्या लिख दिए, स्क्वायर का। कहाँ से ई वाला कामा किए, डी जहाँ पर ए बी और ई एफ के जहाँ पर बी सी, कहाँ से काम किए, रचना से। कहाँ से किए, रचना से लिखिए, यहाँ लिख देना रचना से। क्या लिख देना है, रचना से। तो ये हो गया डी एफ स्क्वायर ना, हो गया हो गया। इसको बोल देंगे समीकरण एक। क्या बोलेंगे? समीकरण एक, ठीक है ना। अब यहाँ ध्यान दे, दिया गया है क्या, दिया गया है एस सी स्क्वायर बराबर ए बी स्क्वायर और बी सी स्क्वायर, यहाँ दिया गया है। तो यहाँ लिखना है क्या, यहाँ लिखना है ए सी स्क्वायर बराबर दिया हुआ है ए बी स्क्वायर। क्या दिया हुआ है? ए बी स्क्वायर जोर बी सी स्क्वायर। इसको समान लेना है समीकरण दो। कहाँ से? तो दिया गया है, दिया गया है ना, ये दिया गया है तो दिया गया। अब एक और दो कलम ध्यान से देखो, दोनों का राइट हैंड साइड बराबर ना है, बराबर है, राइट हैंड साइड दोनों बराबर है। यहाँ भी ए बी स्क्वायर बी सी स्क्वायर, यहाँ भी ए बी स्क्वायर बी सी स्क्वायर। जब दोनों खूब सारे बराबर है तो इस साइड भी अपने आप बराबर हो जाएगा ना, होगा। तो लिखेंगे समीकरण एक एवं दो से। क्या लिखेंगे? समीकरण एक एवं दो से, समीकरण एक एवं दो से क्या हो गया? तो ये भी बराबर हो जाएगा, तो हो जाएगा मेरा क्या, डी एफ स्क्वायर बराबर ए सी स्क्वायर। ले सकते हैं डी एफ स्क्वायर बराबर ए सी। अब दोनों में स्क्वायर है तो स्क्वायर स्क्वायर मटर खल्लास, तो हो गया डी एफ बराबर ए सी हो गया। इसी को हम क्या करेंगे, यहाँ ध्यान दो, अब समझ, अब तुम लोग ध्यान से समझ। देखिए यहाँ पर अब ये माने क्या, डी ई बराबर माने थे क्या ए बी, देख डी बराबर ए बी रचना माने थे, ई एफ बराबर क्या माने थे बी सी। देख यहाँ पर ई एफ बराबर बी सी हो गया, और इसको हमने नहीं माने थे बराबर, बराबर नहीं माने थे, लेकिन बराबर हो गया ना, हो गया क्या, हो गया तो हो गया डी एफ बराबर ए सी, हो गया डी एफ बराबर ए सी हो गया। तो तीनों भुजा इसका, इसका तीनों भुजा
इसका संगत तीनों भुजा के बराबर ना हो गया हाँ। तो क्या हो गया एस 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 अब बता एस एस समरूपता से कि एस एस सर्वांग समता से जल्दी बता तो ये दोनों त्रिभुज सर्वांगसम हुआ कि समरूप हुआ जल्दी बता जल्दी बोल समरूप हुआ कि सर्वांगसम हुआ रे समरूप कब होता है जब बट्टा में बराबर होता है बट्टा में थोड़े बराबर है समरूप कब होता है जब ए बी बटा डी ई बी सी बटा ई एफ और ए सी बटा डी एफ बराबर होता है तब ना तो बट्टा में बराबर बराबर होता है तब लिखते हैं एस 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 समरूपता से तो यहाँ बट्टा में थोड़े बराबर है यहाँ डायरेक्ट लिख दिया हम क्या डी ई बराबर ए बी ई एफ बराबर बी सी माने थे और डी एफ बराबर ए सी हो गया तो यहाँ बराबर ना हो गया तो जब बराबर होता है तो उसको बोलते हैं सर्वांगसम क्या बोलते हैं तीनों भुजा बराबर हो गया तो लिखेंगे त्रिभुज क्या लिखेंगे त्रिभुज डी ई एफ तथा त्रिभुज ए बी सी एस 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 से क्या होगा सर्वांगसम क्या हो गया तो लिखना है यहाँ त्रिभुज डी ई एफ क्या लिखना है त्रिभुज चलो यहाँ लिख देते हैं समझा तुम लोग ये नहीं कि सब बोल देना समरूप समरूप में थोड़े पढ़े थे बराबर नहीं पढ़े थे समरूप में बट्टा पढ़े थे क्या पढ़े थे तो यहाँ लिखना है त्रिभुज डी ई एफ त्रिभुज डी ई एफ तथा त्रिभुज ए बी सी ए बी सी ए बी सी में क्या है यहाँ ध्यान दे डी ई बराबर ए बी कहाँ से रचना से ना लिए थे डी ई बराबर ए बी और क्या और ई एफ बराबर बी सी ई एफ बराबर बी सी ई एफ बराबर बी सी दोनों कहाँ से ये दोनों है रचना से रचना से ने बराबर लिए थे हाँ लेकिन अभी हम प्रूव कर दें क्या डी एफ बराबर ए सी डी एफ बराबर ए सी डी एफ बराबर ए सी इसको बोलते समीकरण तीन बोल देते हैं तो कहाँ से समीकरण तीन से समीकरण समीकरण तीन से बोल दिए ना हो गया हो गया देखिए हाँ डी बराबर ए बी ई एफ बराबर बी सी तो ई एफ बराबर बी सी डी एफ बराबर ए सी तो डी एफ बराबर ए सी तीनों भुजा बराबर हो गया इसका तीनों भुजा इसका बराबर हो गया तो लिखेंगे क्या एस एस एक्स सर्वांग समता लिखेंगे क्योंकि बराबर है ना अगर बट्टा में रहता तो लगते लिखते लिखते समरूपता से लेकिन यहाँ बराबर तो क्या लिखेंगे सर्वांग समता से दोनों त्रिभुज क्या होगा समरूप ये दोनों त्रिभुज क्या हुआ त्रिभुज डी समरूप बोल दिए सर्वांगसम हुआ क्या हुआ सर्वांगसम सर्वांगसम चिन्ह क्या कैसे होता सर्वांगसम चिन्ह होता है इस प्रकार ठीक है ना यानी पहले अति बराबर देख के समरूप यानी सर्वांगसमता हो गया ना बराबर समरूप अति सर्वांगसम त्रिभुज ए बी सी हम जानते हैं कि जब 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 दो त्रिभुज आपस में सर्वांगसम हो तो उसका सभी जो बचा हुआ भाग है जो बचा हुआ अंग वो अपने आप बराबर हो जाएगा तो यहाँ पर तो भुजा बराबर अभिन करता है अब जब सर्वांगसम हो गया तो कोण भी अपने आप बराबर हो जाएगा यानी संगत कोण क्या हो जाएगा बराबर क्या हो जाएगा तो बता कोण डी का संगत क्या होगा कोण ए होगा लेकिन हमको इससे थोड़े का मतलब है हमको ये कोण 90 डिग्री दिखाना है यह कोण 90 डिग्री दिखाना है ना कोण एफ का संगत क्या होगा कोण सी हो जाएगा लेकिन हमको इसको थोड़े मतलब है हमको इससे मतलब है क्योंकि इसको 90 डिग्री दिखाना है इसी को 90 डिग्री दिखाना है तो कोण ई बराबर क्या हो जाएगा कोण बी तो खाली इसी को लिख देते हैं क्योंकि यहाँ ई 90 तो ई भी क्या हो जाएगा 90 ई भी बराबर होगा लेकिन लिखने का फायदा नहीं है ई भी बराबर होगा लेकिन लेकिन इसको लिखने को फायदा तो खाली हम लिखते हैं ई बोला क्या लिखते हैं तो इसलिए कोण ई बराबर कोण बी तो जब ई है 90 डिग्री तो कोण बी भी क्या हो जाएगा क्योंकि ई है 90 डिग्री ना नहीं माने थे रचना में लिए थे ना रचना में क्या लिए थे कोण ई बराबर 90 डिग्री तो जब ई 90 तो बी भी 90 तो इसलिए कोण बी बराबर 90 डिग्री हो गया लिख देना है चूंकि क्या लिखना है चूंकि कोण ई क्या है 90 क्या है 90 इसलिए कोण बी भी क्या हो गया और जब ये 90 हो गया कोण बी माने थे ना हम 90 हो गया ना तो ए बी सी समकोण ना हो गया हो गया अतः क्या लिखेंगे अतः इसमें सिद्ध करना है ना लिखे थे हम सिद्ध करना ना लिखे थे लिख देना यहाँ पर सिद्ध करना है क्या लिखना है सिद्ध करना है क्या सिद्ध करना है तो त्रिभुज ए बी सी एक समकोण त्रिभुज है एक समकोण त्रिभुज है अर्थात समकोण त्रिभुज कब सिद्ध होगा जब बी 90 डिग्री हो जाएगा अर्थात कोण बी बराबर 90 डिग्री सिद्ध करना है यहाँ सिद्ध करना है तो कोण बी बराबर 90 डिग्री हो गया तो अतः त्रिभुज ए बी सी एक समकोण त्रिभुज है एक समकोण त्रिभुज है सिद्ध हो गया ये हो गया प्रूव क्या होगा प्रूव समझा तुम लोग ठीक है अभी तुम लोग बनाएगा एक्सरसाइज 6.5 ना तो बन जाएगा ठीक है जल्दी कर छाप अभी